ना पक्ष ना विपक्ष, आप देख रहे हैं द्विपक्ष दर्पण डिजिटल और मैं रीना सिंह। गत दिनांक 25 फरवरी शनिवार को रेल प्रशासन धनबाद ने रेलवे स्टेशन रोड में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सहायक सुरक्षा आयुक्त प्रेमदीप संजय, धनबाद थाना प्रभारी विनय कुमार, रेलवे सुरक्षा बल धनबाद प्रभारी पंकज कुमार और यातायात थाना प्रभारी अजय मिंज को रेलवे प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान को कार्य रूप देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विशेषकर उस समय काफी परेशानी हुई जब फुटपाथ दुकानदारों ने अभियान का जोरदार विरोध किया। सूचना मिलने तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। रेल प्रशासन की माने तो अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। स्थानीय दुकानदारों द्वारा धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोकने के लिए रेल प्रशासन से अनुरोध करने की बात पर सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने ऊपर से आदेश आने की बात कहकर अतिक्रमण हटाओ अभियान को रोक पाने में अपनी असमर्थता जाहिर की। रेल प्रशासन की माने तो अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। रजिस्टर दुकानदारों को भी 4 दिन की मोहलत दी गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान फुटपाथ दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदारों ने न सिर्फ अगजनी कर स्टेशन रोड पर जाम लगा दिया बल्कि कुछ दुकानदारों ने अपने ऊपर किरोसिन तेल छिड़क कर आत्मदाह का भी प्रयास किया। इसके बाद धनबाद रेल पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दुकानदार ने सड़क पर टायर जलाकर रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, विरोध में प्रदर्शन भी किया। फुटपाथ दुकानदार रेलवे स्टेशन पेट्रोल पंप के समीप सड़क पर बैठ गए और आवागमन रोक दिया। रेलवे ने दुकान हटाने के लिए एक दिन पहले शुक्रवार को ही लाउड स्पीकर से स्टेशन रोड पर अतिक्रमित जमीन खाली करने के लिए मुनादी करवा दिया था। धनबाद से लल्लन मलाकार की रिपोर्ट।
हमारे हुआ, तो रेल का क्या अधिकार है यहाँ पे जेसीबी चलाना? जो भी हुआ सारा सर गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना गरीब यहाँ से पलता है, राज प्रशासन 200-300 दुकान है यहाँ पे, गरीब को उखाड़ के फेंक दिया, बस हम तो यही जानते हैं। 250-300 उत्पाद दुकानदार है जिससे कितना परिवार पलता है स्टेशन रोड से, एक परिवार में 10-10 जन है, सब यही से खाया पिया पला और पढ़ा लिखा रहा। हम लोग जवान हो गए, ये लोग सब बेरोजगार हो जाएगा तो बताइए क्या होगा आगे? 20-30 साल पहले छिनते होता था, चूराबाजी होता था, अभी भी होगा। ये दुकान यहाँ खुल गया 1960 से हम लोग हैं। सरकार को लगता है कि स्टेशन बेहतर कर देंगे तो स्टेशन जो है जगमगा जाएगा, का आदमी लोग से स्टेशन जगमगाया होगा। नुकसान देखिए, नुकसान कितना का परिवार बर्बाद हो गया इसकी वजह से, अब देखिए आगे क्या होता है, सरकार क्या रास्ता निकालती है। आपकी हमें जितने लोग हैं सबकी दुकान ही है। हेलो, मतलब सुबह से आंदोलन चल रहा था लेकिन कुछ भी काम नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई संसद, कोई विधायक, कोई मेयर, कोई कमिश्नर, कोई नहीं आया, बस जो है प्रशासन अपने जिसे एक्ट लिया। सरकार क्या करेगा? सरकार कर ही क्या सकता है, सरकार को 30 साल से आश्वासन दे रहा है। आप स्मार्ट सिटी बनाइए, मना नहीं है, लेकिन गरीब लोग को लेके बनाइए आप स्मार्ट सिटी। आप लोगों ने कहा कि नगर निगम की तरफ से कार्ड बनवाया गया है, ये वाला कार्ड है, ये कार्ड क्या है, क्या है मतलब? दुकान पर आपको मिलेगा, ये आपको पहचान रहेगा, आपका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर जा रहे हैं नगर निगम से, के वो कार्ड बना देंगे नगर निगम का मोहर के साथ। चार पांच कार्ड है, बहुत कार्ड है, कभी 500 कभी 1000 ले लेंगे। हमको अपना कमा करना है, हटाएगा कोई नहीं, किसके वजह से दिया गया? आप लोगों ने बात नहीं की, जब कार्ड मिला है तो फिर अतिक्रमण क्यों किया? नगर निगम बोला बात नहीं कर रहा, नगर निगम तो आ रहे हैं आधा घंटा के अंदर में, आ रहा है आधा घंटा के अंदर में बोलता है कि हम समझ लेंगे।